गुरु जी को अलग आदेश, आदेश।, आदेश। मां भगवती को अलग आदेश रांची वाले भैरब बाबा को अलग आदेश आप सभी को आदेश आदेश अभी आपके स्क्रीन पे जो चल रहा है वो सारे शक्ति पीठों का दर्शन है जो मैंने पहले भी आप लोगों को कराया था शक्ति पीठ का निर्माण कैसे हुआ था शक्ति पीठ का निर्माण हुआ था जब देवी सती हवन कुंड में कूद गई थी अपने शरीर का आहुति दे दिया था दक्ष के यज्ञ में और महादेव रोष में घूम रहे थे चारों तरफ तांडव करते हुए विष्णु जी ने रोष कम करने के लिए अपना चक्र चलाया चक्र चलाने से जो भगवती का शरीर था वो खंडित हो गया और जिस जिस स्थान पर गिरा वो शक्तिपीठ के रूप में पूजा जाने लगा और जिस जिस पत्थर पर महादेव ने पैर रखा विष्णु को श्राप मिला वो सुदर्शन चक्र चलाने के लिए तो फिर जो आज हम शालिग्राम पत्थर की पूजा करते हैं वो सारे विष्णु रूपी हो गए ये सारी बातें आप सभी जानते हैं लेकिन एक बहुत विशेष विषय विशे, आज किसी ने मुझसे पूछा सवाल था कि जो कथा है जिसमें भगवती सती दक्ष के यज्ञ में चली जाती है उसमें यह भी है कि महादेव या फिर शिव ने पार्वती को रोका था सती को रोका था पार्वती तो पुनर्जरम था सती को रोका था यज्ञ में जाने के लिए पति की बात ना मानते हुए सती यज्ञ में गई तो क्या इस कथा से यह प्रेरणा ली जाए कि अगर कि पत्नी पति का बात नहीं मानती है या ये शिक्षा ली जाए कि अगर पति की बात ना मानी जाए तो जो अंत है वो बहुत बुरा होगा ये बड़े ज्ञान की मूल बात है जो हम लोग ना पढ़ते हैं ना ऐसे लोग जिनको ये कथा आप लोगों को या हम तक पहुंचानी चाहिए वो पहुंचाते हैं क्योंकि जो मठाधीश हैं वो अब राजा हैं और उनको कोई मतलब नहीं है कि आम हिंदू इन सब विषय पर क्या सोचता है तो मैंने सोचा कि ये कथा आप तक बता दो उससे पहले एक और संदर्भ बताता हूँ मैंने एक कुष्ट का नाम लिया था हिंदू धर्म में आजकल बड़ा प्रचलित है वो लेखक है ठीक है और हिंदुत्व हिंदू इसके बारे में मंदगणत बातें करता है जो देव कथाएं हैं जो वेद हैं जो उपनिषद हैं बिना पढ़े जो उसको समझ में आता है वो लोगों को समझाता है देवनाथ पटनायक आज मैंने उसका एक ऐसा वीडियो देखा कि मेरे जैसा व्यक्ति जो किसी के बारे में जल्दी कुछ नहीं बोलता मेरा खून खोल गया देख के वो वीडियो था होमोसेक्सुअलिटी पे ठीक है और उसमें महादेव का जो एक रूप है वृंदावन में, में मेरे ख्याल से गोपेश्वर महादेव कहते हैं तो उसके बारे में वो वर्णन कर रहा था तो गोपेश्वर महादेव की कथा है कि जब रासलीला हो रही थी सबसे पहले जो रासलीला है उसको जो अल्पबुद्धि हैं जो हिंदू धर्म को बदनाम करना चाहते हैं उन्होंने रासलीला को बहुत फिजिकल फॉर्म में बताया कि रासलीला है मतलब कि कि कुछ रोमांटिक होगा लेकिन मती का फेर ये मती का भ्रम ये कि जिस कृष्ण ने युद्ध भूमि में बाद में बताया कि मैं ही ब्रह्म हूं उसके साथ क्या रोमांस कर सकता है एक आम व्यक्ति वही रोमांस जो एक देवता एक सर्वोपरि शक्ति के साथ एक अदिनी शक्ति कर सकती है आपने वो गाना सुना होगा कि आत्मा परमात्मा की मिलन की ये आस है वही महारास है तो उस महारास में तैतीस कोटि देवी देवता सारे पहुंच गए कि हम भी महाराज देखेंगे महादेव ने कहा कि मैं तो भाग भी लूँगा इस महारास में क्योंकि अनंत में मिलने का एक बहुत अच्छा अवसर है ठीक है तो क्योंकि सिर्फ स्त्रियों को महाराष्ट्र में रहना था तो महादेव को घुसने नहीं दिया गया वो बड़े रुष्ट हुए नाराज हुए भोले भंडारी हैं पार्वती जी को देखा नहीं गया वो उनको यमुना माता के पास ले गई यमुना माता ने उनका श्रृंगार कर दिया गोपी की तरह और फिर गोपी बन करके चीटिंग करके महादेव ये भी एक लीला है वो घुस गए महाराष्ट्र में ठीक है कृष्ण भगवान उनको पहचान गए उनको बैठाया उनकी पूजा की और उनको फिर गोपेश्वर महादेव के रूप में पूजा जाएगा ये गोपियों को वरदान दिया तो ये बहुत बड़ी बात हो गई कि गोपियों को एक महादेव मिले जिनका नाम गोपेश्वर महादेव था अब इस कुष्ट ने अपने वीडियो में बताया कि ये होमोसेक्सुअलिटी का एक निशान है कि हिंदू माथोलॉजी में भी होमोसेक्सुअलिटी होता था अरे मूर्ख तुम किस विषय को कहां से जोड़ रहे हो और इसके लिए जिम्मेदार ऐसे मूर्ख नहीं है जो कुछ भी हमारे धर्म के बारे में बोल रहे हैं ऐसे लोगों को आगे पनपने देने के पीछे कारण है वो शंकराचार्य जो राजशाही ठाट में एसी में बैठे हुए हैं और कुछ बताते ही नहीं है आपको मैं पूछूं, ये कथा आप में से कितनों को आती थी या आप बताओ जो सवाल लेके आज ये वीडियो बना है कि क्या सती ने महादेव के कहने के बावजूद उनकी बात को ना मानते हुए दक्ष यज्ञ में गई और उनका सर्वनाश हो गया अब अगर आपने जो आज तक कथा सुना है उसमें तो यही सही है क्योंकि इस बीच का जो कथा है वो तो हर जगह से तो सुनो कहानी कथा यहां ये है कि सर्वप्रथम जो त्रिदेव हैं, जो महाशून्य है जो महाशक्ति है जो गायत्री सावित्री है और जो एम ह्रीम क्लीम बीज है ये जब भी पृथ्वी पर आते हैं तो ये एक खेल करने आते हैं लोगों को समझाने आते हैं जब श्री राम आए थे तो उन्होंने लोगों को समझाया था कि देवता को भी कर्म समझने में कर्म काटने में बहुत सारी चीजों को झेलना पड़ता है ठीक है हर अवतार होता है वो कुछ सिखा के जाता है जब महाशून्य मतलब द एब्सुल्यूट उनके ना बाहर कुछ है ना उनके अंदर कुछ है जो है वही है उनमें इतना ज्ञान है कि उनको किसी ज्ञान की जरूरत नहीं है और उनके पास ज्ञान ही नहीं है क्योंकि वो एप्सल्यूट है और महामाया जो जब शिव के पास गई तो फिर इस पूरे सृष्टि की रचना हुई ठीक है कौन सा दक्ष कौन सा यज्ञ जो होगा इन्हीं के लिए ना होगा लेकिन क्योंकि एक माया को रचना था देवी के एक रूप का प्रादुर्भाव होना था तो अवतार हुए शिव और पार्वती के शिव और सती के पार्वती तो 108 के बाद आई और सती ने जिद किया महादेव के सामने कि मुझे अभी के अभी जाना है और अपने पिताजी से पूछना है कि मेरे पति को क्यों नहीं बुलाया महादेव ने बोला कि आपको नहीं जाना चाहिए आप नहीं समझ रही हैं कि वहाँ क्या होगा महादेव ने रोका भगवती ने बोला हे महादेव क्या आप मुझे जानते हैं कि मैं क्या सोच करके जा रही हूँ अभी देखो अभी दोनों सश शरीर इस पृथ्वी पर वार्तालाप कर रहे हैं अभी ये परम वैभव और परम ज्ञानी के रूप में नहीं है ये जो भी कर रहे हैं शिव और सती वो सबको एक नया ज्ञान देने के लिए कर रहे हैं एक खेल कर रहे हैं महादेव ने बोला कि हे hey, सती आप बताओ आप क्या कहना चाहते हो उसके बाद भगवती सती दस रूप में प्रकट हुई जब ये पूछा गया कि आप को ज्ञान है कि क्या होने वाला है आपको ज्ञान है आप क्या करने जा रहे हैं आपको ज्ञान है कि दक्ष क्या करना चाहता आपको ज्ञान है कि आगे क्या होने वाला है तो दस महाविद्या प्रकट हो गई महादेव को दिखाया भगवती ने कि ये जो हो रहा है ये मुझसे बाहर नहीं है इस पृथ्वी पर जो भी चल रहा है वो मुझसे बाहर नहीं है भगवती ने काल का रूप लिया महाकाल के सामने भगवती ने काल का रूप लिया और वो काली हो गई शिव पर आरूढ़ काली खड़ी है महादेव देख रहे हैं भगवती तारा हो गई एक स्वरूप में शिव को अपने स्तन से दूध पिला रही हैं, दूसरे में शिव के ऊपर खड़ी है मस्तिका हो गई मस्तक काट करके काम भावना को ध्वस्त कर दिया है सोडसी हो गई भुवनेश्वरी हो गई त्रिपुरा सुंदरी हो गई धूमावती हो गई अपने ही भैरव का भक्षण करके जो विधवा हो जाती हैं बगलामुखी हो गई मातांगी हो गई कमला हो गई कि जिसके प्रभाव से जिसकी विद्या से ही इस पूरे ब्रह्मांड में संपन्नता आती है भगवती ने बता दिया कि मैं यहां बैठी हूं लेकिन कुछ मुझसे बाहर नहीं है महादेव ने बोला हे hey भगवती मैं आपका विषय समझ गया हूं और मैं समझ गया हूँ कि आगे क्या होने वाला है क्योंकि अब भगवती ने दस महाविद्या ने काली अवतार भी ले लिया है तो अब तो काल आना ही है प्रलय आना ही है प्रस्थान करो तय लीला के अनुसार भगवती वहाँ गई उन्होंने दे त्याग दिया पृथ्वी को एक क्षण में दस महाविद्या का ज्ञान मिला और शक्ति की उपासना के लिए एकावन बावन तिरपन जितना भी मानते हो उतना शक्ति पीठ मिला इसी का एक अपभ्रंश आपको मिलेगा जगह जगह लोगों ने लिख कर रखा है फिर से हिंदू धर्म को या सनातन धर्म को खराब करने के लिए कि महादेव से भगवती लड़ने के लिए दसों दिशा से दस रूपये में आई कि आप मुझे क्यों नहीं जाने दोगे और भगवती ने फिर शिव को हरा दिया और उसके बाद वो दक्ष के यज्ञ में चली गई तो दो बात समझने का है पहला कि महादेव ने भगवती को अपने प्रेम से समझाया और भगवती को ना खोने के डर से वो उनको रोकना चाहते थे लेकिन जब भगवती ने बताया कि हे महादेव मैं भी काल हूँ मैं भी ज्ञान हूं मैं भी माया हूँ तो भगवान महादेव ने शिव ने उनके सामने अपने रोक को अपने कीलन को रोक दिया और अपनी अर्धांगनी की शक्ति की प्रतिष्ठा रखते हुए आदर करते हुए भगवती को बोला कि अब आगे का लीला आप करिए क्योंकि यही लिखा हुआ है और तब जब भगवती ने देह त्याग दिया शक्ति पीठ मिले हमें और भगवती के मुंड से 108वां मुंड निकल के महादेव ने गले में धारण किया और जो अलग अलग जन्म भगवती को लेना पड़ता था शिव के समूह शिव के साथ होने के लिए वो समाप्त हुआ अगले जन्म में भगवती फिर पार्वती रूप में आई और वो अनंत काल से है अनंत काल तक रहेंगी ये है कथा <laughs> तो अपने धर्म का ज्ञान रखिए कोई गलत बोले तो जरूर उनको रोकिए ठीक है और अपने देवी देवताओं की कथा से वो जानने की कोशिश करिए कि अगर कोई लीला विचित्र है तो उसके पीछे क्या मंशा है आज के लिए इतना ही जिनको बेसिक साधना सीखनी है वो मेरे पेड व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए नंबर है नाइन फोर थ्री वन वन एट एट फाइव एट फाइव तीन महीने का ये ग्रुप है जिसमें अघोर में आने से पहले आपको जो जो जानना चाहिए हम सिखाते हैं डायरेक्ट बात करने के लिए कॉल मी फॉर ऐप डाउनलोड कीजिए उसमें रुद्रनाथ एट सी एम फोर ये मेरा प्रोफाइल है इसमें आप जाके मुझे कॉल कर सकते हैं डायरेक्ट अपॉइंटमेंट के लिए डब्ल्यू 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 डॉट अघोर डॉट कॉम अभी डाउन है लेकिन एक आधा दिन में वेबसाइट अप हो जाएगा आज के लिए इतना ही आप सभी पे माता कृपा बरसाते रहे आप सभी को आदेश आदेश अलग आदेश